आप सभी को किसान पुत्री शोभा जादव का नमस्कार। मैं आज अपना अनुभव आप लोगों के साथ में साझा करने आई हूँ और अनुभव से मैंने ये सीखा है कि यदि कोई दुखिया, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हैं, जो भी हैं, यदि किसी दुखिया व्यक्ति का उसका कहानी, दर्द भरा जो है उसके कहानी को आप दिल से सुन लेते हैं तो उस व्यक्ति का आधा दर्द तो वही खत्म हो जाता है। तो बहुत से हमारे समाज में समाज सेवी लोग हैं, उनको मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने कुछ मानव जीवन का सार्थक पल करने की कोशिश किए हैं। और राजनीति का जो क्षेत्र है उसमें हर चीज़ निहित है, आप जैसा करना चाहें। भ्रष्टाचारियों के लिस्ट में यदि आप अपना नाम भी दर्ज कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं, अन्यथा भारतीय मानवता पार्टी के साथ जुड़ करके जातिवाद मिटाओ और मानवतावाद अपनाओ के उद्देश्य और लक्ष्य के साथ भारतीय इतिहास में एक सच्चे समाजसेवी के लिस्ट में अपना नाम दर्ज भी करा सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है। यदि आपकी इच्छा शक्ति रूढ़िग्रस्त यातनाओं से लोगों की मुक्ति दिलाने की होगी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो जैसे बड़े बड़े ऑफिसर लोग, राजनेता लोग हैं लेकिन उनका नाम और उनका कर्म दोनों में बहुत अंतर है। तो हम लोगों को जो है भारतीय मानवता के बचाने के लिए एक मंच पे आकर के जो दबे कुचले वर्ग जो है, जिन समाज से वंचित रह गए, उनको एक मंच पे लाने की जरूरत है और भारतीय मानवता को बचाने की जरूरत है और जातिवाद मिटा